नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के सभी वार्डों को सैनिटाइज करने के दिशा में अब एक और प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पहले नगर पंचायत के कर्मचारी दोनों शहर के अलग अलग वार्डों को सैनिटाइज करने का कार्य कर रहे थे, वहीं अब नगर पंचायत ने अग्निशमन विभाग से गाड़ियों की मदद से शहरों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण के तहत बड़ी गाड़ी से सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। बैजनाथ में अवाही नाग मंदिर से शुरू किए गए कार्य को मुख्य बाजार होते हुए चौबिन चौक व पंडोल रोड में कैम्ब्रिज स्कूल तक दोनों ओर करने के बाद पपरोला के रेलवे चौक से होते हुए पपरोला पंप तक दोनों ओर छिड़काव किया गया। छिड़काव के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया गया। इस काम को करवाने में नगर पंचायत अध्यक्ष रुचि कपूर व पार्षद अमित कुमार ने विशेष सहयोग किया। नगर पंचायत अध्यक्ष रुचि कपूर ने कहा कि इससे पहले नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों द्वारा हैंडपंपों से सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा था, अब बड़ी गाड़ियों की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा परिषद के कर्मचारी भी शहर के वार्डों में सैनिटाइज करने के लिए एक दिन छोड़कर काम में लगे हुए हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में ही रहें और किसी कारणवश जाना पड़े तो मास्क और सैनिटाइजर साथ लेके जाएं। जैसे कि सरकार के निर्देश हैं कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए यहाँ बैजनाथ और पपरोला में नगर पंचायत जो कि यहाँ को सड़कों और गलियों को सैनिटाइज कर रही है, और जहाँ जहाँ तक सड़कें हैं जहाँ पर फायर ब्रिगेड कर सकती है वहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी गलियों को सैनिटाइज करेगी, और इसके अलावा गलियों में हैंडपम्प के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है कि वे सुरक्षित रहें, अपने घरों में ही रहें जितना हो सके, क्योंकि बाहर निकलना अभी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मेरी उनसे यही मतलब अनुरोध रहेगा कि वे अपने घर में रहें और निकाब मतलब अपना मास्क लगा के ही बाहर निकलें अगर निकलना हो तो।